हेलो चिल्ड्रन, हमारा किंगडम प्रोटेस्टा का लास्ट पार्ट आज खत्म होगा. द होल किंगडम इज गोइंग टू फिनिश टुडे. वी हैव डन फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट, देन वी हैव डन कंज्यूमर प्रोटेस्ट, नाउ लास्ट प्रोटोजोअन प्रोटेस्ट. प्रोटोजोअन प्रोटेस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे हेटरोट्रॉफिक हैं. ना वो खुद खाना बना सकते, ना वो सैप्रोट्रॉफिक हैं, मतलब डेड डीकेइंग से भी नहीं ले सकते. दे आर ऑल हेटरोट्रॉफिक और मैनी ऑफ देम आर पैरासिटिक, मतलब दूसरे किसी लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. नाउ दे आर डिवाइडेड इनटू मेजर फोर ग्रुप्स और चारों ही ग्रुप हम करना है. दे आर अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स and sporozoans. This grouping is done according to the type of locomotion they have. Locomotory organ क्या है उसके ऊपर based है. Now amoeboid, नाम ही है amoeboid protozoans. इस group में the locomotory organ is ध्यान रखना pseudopodia. क्योंकि इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है अमीबा. अमीबा आप सबको मालूम है. और अमीबा कैसा दिखता है? इट हैज सूडोपोडिया. सो अमीबा जो है वो अमीबॉइड प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल है. हम प्रोटिस्ट कर रहे हैं, सिंगल सेल्ड हैं सारे अमीबा. देन इस ग्रुप में बहुत कम पैरासिटिक एनिमल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं अमीबॉइड में. वन ऑफ देम खास उसको मैं उसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है, दैट इज एंट अमीबा हिस्टियोलेटिका. ध्यान रखिएगा ये पैरासिटिक है, मतलब एज अ पैरासाइट एक अमीबॉइड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है एंट अमीबा हिस्टियोलेटिका. ये हमारे इंटेस्टाइन का पैरासाइट है. ह्यूमन इंटेस्टाइन में ड्यू टू दैट इज फूड और वाटर, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है एंट अमीबा हिस्टियोलेटिका. वहाँ से हमारे ब्लड में चला जाता है और ब्लड के आरबीसीस को ये कंज्यूम करता है एज फूड. एंट अमीबा हिस्टियोलेटिका कैसा दिखता है? इट हैज अ सिंगल सूडोपोडिया. ये एंट अमीबा हिस्टियोलेटिका जो हमारे इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, इट हैज सिंगल सूडोपोडिया एंड इट ईट्स द आरबीसीज, यानी ब्लड के प्लाज्मा में ये रहता है. एंड जो बीमारी करता है उसको बोलते हैं एंट अमीबा, जो बीमारी करता है उसका नाम है अमीबियासिस. आपने सुना होगा अमीबियासिस. सो दिस डिजीज by ant amoeba is called as amoebiasis. The locomotory organ of amoeboid protozoan, that is pseudopodia. And unka habitat, amoeboid protozoan ka habitat fresh water mein bhi paaye jaate hain, kuch marine water mein bhi paaye jaate hain, matlab salt water mein, and damp soil mein bhi paaya jaate hain. Theek hai, locomotory organ protoplasmic pseudopodia ho gaya. ठीक है, क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं, दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन देम. वन मोर एग्जाम्पल इज पेलोमिग्जा. इसकी खास बात ये है कि इसमें एक न्यूक्लियस की बजाय बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. सो इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएट अमीबॉइड प्रोटोजोअन पेलोमिग्जा. मल्टी न्यूक्लिएट अमीबॉइड प्रोटोजोअन, क्लियर? सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोअन. द सेकेंड ग्रुप फ्लैजिलेटेड, नाम में ही आंसर है फ्लैजिलेटेड, मतलब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज फ्लैजिला. अब उसके एग्जाम्पल देखिए, जी आर डिया कैसा दिखता है? जी आर डिया इस टाइप का. सो आई एम मेकिंग जियार्डिया एंड इट हैज नंबर ऑफ फ्लैजिला
एंड इट रिजेंबल्स लाइक इट रिसाइड्स इन द इंटेस्टाइन. तो इसको बोलते हैं ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी बोलते हैं. जियार्डिया लैमलिया, क्या है ये? जियार्डिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन. और जो बीमारी करता है, इट्स अ पैरासाइट, बीमारी करता है, दैट इज जियार्डियासिस. कौन सी बीमारी करता है ये? जियार्डियासिस इन ह्यूमन बीइंग फाउंड इन इंटेस्टाइन, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन एंड हैज नंबर ऑफ फ्लैजेला. क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, दे हैव फ्लैजिला, नाम में ही फ्लैजिलेटेड है, तो फॉर लोकोमोशन दे हैव फ्लैजिला एंड मैनी फ्लैजिला. ठीक है? देन ट्राइपैनोसोमा. नाउ ट्राइपैनोसोमा जो है, इट्स हैविंग, इट्स इट लुक्स लाइक दिस. एंड ट्राइपैनोसोमा जो है, इट कॉजेज इम्पॉर्टेंट डिजीज स्लीपिंग, पूछते हैं स्लीपिंग सिकनेस. कौन सी बीमारी? स्लीपिंग सिकनेस. इट्स पैरासाइट विच कॉजेज द डिजीज स्लीपिंग सिकनेस. एंड वेक्टर, इस प्रोटोजोन को कैरी करने वाला जो वेक्टर है, दैट इज सीसी फ्लाई. कुछ लोग उसको टिसी टिसी फ्लाई भी बोलते हैं. टी इज साइलेंट, सीसी फ्लाई. सीसी फ्लाई जो है, उसका जूलॉजिकल नेम इज ग्लॉसिना पेलपैलिस. ग्लॉसिना पेलपैलिस सीसी फ्लाई इज द वेक्टर फॉर ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, कॉमनली स्लीपिंग सिकनेस. ये ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस पर्टिकुलरली कॉजेज, सो इट हैज दिस फ्लैजेला. इट लुक्स लाइक दिस. द थर्ड मेंबर इज अगेन इंपॉर्टेंट, लीशमेनिया. आई विल राइट फुल नेम, डोनोवैनी. लीशमेनिया डोनोवैनी, इट ऑल्सो रिजेंबल्स लीशमेनिया फॉर्म इन टू फॉर्म्स, आइदर इट इज राउंड और इलोंगेटेड. लीशमेनिया डोनोवैनी, ऐसा कोई से भी दूसरे रूप में, दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म से कैसा भी दिख सकता है लीशमेनिया डोनोवैनी. एंड इट कॉजेज काला आजार. विच डिजीज? लीशमेनिया से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं काला आजार. एंड हियर ऑल्सो द वेक्टर फ्लाई जो ले जाती है, इज द वेक्टर इज सैंड फ्लाई. सैंड फ्लाई कॉल्ड जूलॉजिकल नेम फ्लेबोटमस. फ्लेबोटमस. सो काला आजार, दैट इज द, इट रिसाइड्स, दिस पैरासाइट इट रिसाइड्स इन द लिवर, लिम्फ नोड, स्प्लीन, वहां पर पाया जाता है. काला आजार का जो कॉजल एजेंट है लीशमेनिया डोनोवेनी, और वेक्टर है पहुंचाने वाला सैंड फ्लाई, विच इज जूलॉजिकल नेम इज फ्लेबोटमस. हियर ट्राइपैनोसोमा जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो सीधे ब्लड से घुस के सीधे हमारे ब्रेन के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में रिसाइड करता है. इसीलिए स्लीपिंग सिकनेस, जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और जो पेशेंट है वो, उसको नींद आती है, ठीक है, और वो परमानेंट सोता ही रह जाता है अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो. सो दैट इज व्हाई स्लीपिंग सिकनेस. देन ट्राइकोनिम्फा, वन मोर एग्जांपल, ट्राइकोनिम्फा. हाउ डज ट्राइकोनिम्फा लुक्स? ट्राइकोनिम्फा बता रही हूँ मैं, इसका भी एक इम्पॉर्टेंस है. एक और एग्जांपल ट्राइकोनिम्फा, वो ऐसा दिखता है विद नंबर ऑफ फ्लैजेला, पूरी बॉडी पे रहते हैं ट्राइकोनिम्फा. एंड दिस ट्राइकोनिम्फा रिसाइड्स इन द बॉडी या गट ऑफ टर्माइट्स, दीमक. आपने सुना है टर्माइट्स, दीमक, वाइट एंट्स, उनके उसमें रहता है.
और टर्माइट्स दे ईट सेल्यूलोज, दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज. द रीजन फॉर दिस इज जो सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने वाली एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए बीटा ग्लूकोसाइडेज, वो एंजाइम ट्राइकोनिम्फा वहाँ रहता है दोस्ती करके किसके गट में, टर्माइट्स के, इन इंसेक्ट्स के और दीमक के, और वो इस एंजाइम की मदद से सेल्यूलोज डाइजेस्ट करके दे देता है टर्माइट्स को, और टर्माइट्स और ट्राइकोनिम्फा दोनों शेयर कर लेते हैं वो फूड. सो इट इज द ट्राइकोनिम्फा विच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज फॉर द टर्माइट्स. क्लियर है? सो फोर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, जियार्डिया, ट्राइपैनोसोमा, लीशमेनिया एंड ट्राइकोनिम्फा. ठीक है? एंड दे आर ऑल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, दैट इज दे आर हैविंग फ्लैजिला. ओके, द थर्ड ग्रुप इज सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स. सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स का एक कॉमन एग्जाम्पल है पैरामीशियम, बैलेंटीडियम, ओपेलाइना एंड वॉर्टिसेला. आई हैव रिटन फोर एग्जाम्पल्स जो कि किस में आते हैं, सीलिएटेड ग्रुप में आते हैं. जो सीलिएटेड हैं, जितने भी सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स हैं, दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. बिकॉज उनमें क्या होता है, वाई दे आर एक्टिवली, आई विल ड्रॉ, दे आर एक्टिवली मूविंग बिकॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया ओवर देयर बॉडी. सो वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है, वो मैं बना रही हूँ और वो डायग्राम भी आ सकता है. सो द दिस इज द पैरामीशियम. इसको स्लिपर एनिमल क्यूल भी बोलते हैं क्योंकि चप्पल की तरह इसका शेप है. सो इट इज पैरामीशियम विथ थाउजेंड्स ऑफ फ्लैजिला ओवर द बॉडी. नाउ दिस 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 पार्ट फ्रॉम फ्लैजिला बीट्स एंड कोई भी फूड है वो यहाँ घुसता है, इसको बोलते हैं गलट. द पैसेज इट लीड्स टू ओपनिंग कॉल्ड साइटोस्टोम और माउथ, साइटोस्टोम और माउथ ऑफ पैरामीशियम. एंड दिस इज साइटोपाइज, जहाँ से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाहर होते हैं. सो इट इज एनस की तरह काम करता है साइटोपाइज विथ नंबर ऑफ सीलिया. इस साइड पे सीलिया का बहुत सारा टफ्ट होता है, सीलिया टफ्ट. सो दे मूव वेरी फास्ट एंड दे आर एक्वेटिक. एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनके पास दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक बड़ा उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस एंड छोटा दैट इज माइक्रो न्यूक्लियस. द एक्चुअल विच हेल्प्स इन एक्चुअल न्यूक्लियस विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन इज माइक्रो एंड दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस. मैक्रो इज वेजिटेटिव, माइक्रो इज रिप्रोडक्टिव. देन देर आर टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स लाइक रेडिएटिंग कैनाल्स, एक इधर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक एंटीरियर एंड पे और एक पोस्टीरियर विथ रेडिएटिंग. दीज आर टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. सो दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है ना? एंड दीज आर दिस इज अ जनरल डायग्राम ऑफ पैरामीशियम. इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, सो यू मस्ट नो द actual shape and what important, that is nucleus, contractile vacuole and number of food vacuoles are also found. So this is paramecium. The other examples are balantidium. You must also know the names opelina and vorticella, all are ciliated protozoans and the cavity is called gullet which opens to outside. The food enters through that opening. The coordinated movement of these cilia cause the food to steer into the gullet. ठीक है? And the last group is sporozoans. ध्यान रखना, sporozoans जो होते हैं, they are important. Question आता है, without any locomotory, without any locomotory organ. So they don't have any locomotory organ. These protozoans don't have any locomotory organ.
प्लस दे आर, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर ऑल एंडो पैरासाइट्स, एंडो पैरासाइट्स, एंडो पैरासाइट्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यू नो प्लाज्मोडियम, सबको मालूम है इट्स मलेरियल पैरासाइट, द कॉजल एजेंट ऑफ मलेरिया. मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से, मच्छर से नहीं होता. एनोफिलीस, फीमेल एनोफिलीस इज ओनली द वेक्टर टू कैरी द प्लाज्मोडियम एंड दे हैव स्पोर बिकॉज नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, तो दे हैव स्पोर लाइक बॉडी. द इन्फेक्टिव स्टेज इज स्पोर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोन्स. रिमेंबर दे आर ऑल एंडोपैरासाइट्स एंड दे हैव स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल एंड दे प्लाज्मोडियम दैट इज मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया एंड विच इज अ प्रॉब्लम कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन. सो दिस वॉज अबाउट ऑल द फोर ग्रुप्स. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, द अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, आई हैव गिवन यू ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बट अ ग्रुप ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, द सूडोपोडिया आर नॉट blunt, they are pointed, special pseudopodia are present. So few groups of based on the type of pseudopodia, amoeboid ke example, ek group hai radiolarians, uska example maine likha hai acanthomatra. I have drawn this, and these pseudopodia which are made of pointed pseudopodia made up of silica, उनको बोलते हैं एक्सोपोडिया या फिलीपोडिया. ऐसे सूडोपोडिया जो पॉइंटेड हैं उनको बोलते हैं, एंड दे आर शेल, मतलब हार्ड होते हैं. दे आर नॉट लाइक ब्लंट सूडोपोडिया जैसे कि अमीबा में, दे आर वेरी पॉइंटेड एंड हार्ड मेड अप ऑफ सिलिका कॉल्ड एज एक्सोपोडिया और फिलीपोडिया. वन मोर ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सूडोपोडिया, हीलियोजोअन्स, ऑल्सो कॉल्ड एज सन एनिमलक्यूल because they look like sun, rays of sun, and their fine pseudopodia jo hain unke unko bolte hain exopodia. The heliozoans ke fine pseudopodia ko bolte hain exopodia, aur inke jo ye bhi silica ke hote hain, lekin ek example hai actinophryes heliozoan ka, which is a shell less heliozoan, usme shell hi nahi hota लेकिन सूडोपोडिया होते हैं. ठीक है, और इस सूडोपोडिया को क्या बोलते हैं? हीलियोजोन्स के सूडोपोडिया को एक्सोपोडिया. एक और ग्रुप आता है इंपॉर्टेंट, फोरामिनिफेरेंस. फोरामिनिफेरेंस सब अमीबॉइड में ही आएंगे. बॉटम ड्वेलर्स, फ्लोर पर पाए जाते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे सॉल्ट वाटर हो. इनके शेल्स कैल्शियम के बने, सो कैलकेरियस शेल, कवच. एंड वो शेल्स जो हैं वो ऐसे चेंबर के फॉर्म में है. ये देखिए चेंबर्स के फॉर्म में है, परफोरेटेड हो सकते हैं चेंबर, और कहीं कहीं परफोरेशन से अंदर का साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म बाहर निकलता है एंड इट फॉर्म्स द सूडोपोडिया विच आर कॉल्ड एज रेटिक्यूलोपोडिया, स्पेशली इन फोरामिनिफेरेंस. और एग्जाम्पल है ग्लोबीजराइना. कौन सा एग्जाम्पल है? ग्लोबीजराइना फोरामिनिफेरेंस का. इसकी एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी फोरामिनिफेरेंस की, कि ये जब व्हेन दे डाई सो उनके शेल्स कैल्शियम के बने तो वो डिग्रेड नहीं होता कैल्शियम, और वो कैल्शियम जो है वो नीचे जाके लाइमस्टोन रॉक नीचे वाटर के बेड पे जमा होते जाते हैं इसके शेल्स, और कई ऐसे पहाड़ टाइप बना लेते हैं. और वो लाइमस्टोन के पहाड़ जो होते हैं वो इतने स्टर्डी और स्टेबल होते हैं कई सालों बाद, उनको बोलते हैं फोरामिनिफेरन ऊज. क्या बोलते हैं उनको? फोरामिनिफेरन ऊज. और ये जो होते हैं बताते हैं कि जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, इजिप्शियन पिरामिड्स के जो रॉक्स हैं वो क्यों इतने स्टेबल और बिल्कुल कोई रिएक्टिव नहीं है. दे आर मेड अप ऑफ दिस फोरामिनिफेरन ऊज. किसके बनाए हैं वो? पिरामिड्स के जो रॉक्स हैं, कहाँ से डग आउट करें? फ्रॉम दैट फोरामिनिफेरन ऊज के पहाड़ों से वो रॉक्स बनाए गए. सो इजिप्शियन पिरामिड्स आर मेड फ्रॉम देम.
एंड इवन पेट्रोलियम के लिए खोदते हैं ना, जो माइन करते हैं, तो वो इन जगहों से अगर माइन करते हैं तो बहुत पेट्रोलियम आता है. फॉर दैट ऑल्सो इट इज़ यूज. सो इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है. सो वी विल सम अप द होल किंगडम. ख़त्म है आज. तो चार ग्रुप्स हैं, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स. एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं और इसकी मेन मेन मैंने आपको कैरेक्टर्स बता दिए हैं. क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स द किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, वी विल कंटिन्यू. थैंक यू.